चौथा पार्ट देखिए। इस पार्ट का हमने कुछ अंश पिछले वीडियो में बता दिया था, अब आप भाग का अंश देखिए। एक पैराग्राफ की व्याख्या हमने समझाया था बच्चों, अब आप ये दूसरा पैराग्राफ किताब पूछ लीजिए बच्चों। अपनी पुस्तक सामने रखिए, ये पैराग्राफ भाग लीजिए, मैं पढ़ रही हूँ। प्रेम की भाषा शब्दरहित है, नेत्रों की कपोलों की मस्तक की भाषा भी शब्दरहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील अचर स्थिर सहित आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गठा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न जिन से, न पुराण से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में धसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से, सुनार के छूटे नगर हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। इसमें देखिए पैराग्राफ आप लोगों को मिल गया होगा बच्चों, दूसरे पृष्ठ पर है। लेखक ने बताया है कि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, प्रेम की भाषा मौन शब्द रही है। अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए शब्द का सहारा लेना ये जरूरी नहीं है। एक माँ जब बच्चे के लिए अपना प्रेम प्रकट करती है तो उसमें वाणी का शब्दों का कोई स्थान नहीं होता, वो तो अपने आचरण अपने व्यवहार से मौन रूप में अपने प्रेम को प्रदान करती है। इसी तरह से अगर हम प्रेम को शब्दों में बांधते हैं तो प्रेम प्रेम नहीं रह जाता, उसमें कोई वास्तविकता नहीं रह जाती। प्रेम की भाषा मौन है, शब्द रहती है। ऐसे ही नेत्रों की कपोलों की भाषा भी शब्द रहित है। हमारी आंखें मौन होते हुए भी बहुत कुछ बोलती हैं, हमारे हृदय के दुख को सुख को खुशी को हमारी आंखें प्रकट कर देती हैं। कितना भी हम छिपाना चाहें फिर भी हमारे मन के भाव को आंखें प्रकट कर ही देती हैं। ऐसे ही हमारे कपोलों की अर्थात गालों की भाषा भी होती है। लेखक ने बताया है कि एक अच्छा आचरण सुंदर आचरण साहित्य के लंबे लंबे व्याख्यान से नहीं कठा जा सकता, ना ही वेदों में श्रुतियों में बताए गए मीठे मीठे उपदेश से कठा जा सकता है, उसे हमें व्यवहार में लाना पड़ता है। हम वेदों को तो पढ़ लें सुन लें लेकिन अगर हम व्यवहार में उसे ना लाएं तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो ना ही वेदों में बताई गई अच्छी अच्छी बातों से, उसके व्याख्यानों से, ना ही साहित्यिक व्याख्यानों से, ना ही अंजील, ना ही कुरान में लिखी गई बातों से, और ना ही धर्म चर्चा से, ना ही सत्संग से। इससे हमारे आचरण का गठन नहीं हो सकता, हमारे आचरण अच्छे नहीं हो सकते। जब तक हम अपने मन पर धीरे धीरे चोट नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपने मन को सुधारने का प्रयत्न नहीं करेंगे, जैसे सुनार स्वर्ण का आभूषण तैयार करते समय हथौड़े से धीमी धीमी चोट उस पर करता है और फिर एक सुंदर आभूषण बन करके तैयार होता है, ऐसे ही जीवन में आने वाले तमाम कठिनाइयों संघर्षों से पार पाते हुए बिना घबराए हम अपने हृदय पर मन पर जब धीरे धीरे चोट करते हैं और अपने आप को संभाले भी रखते हैं, बिखरते नहीं टूटते नहीं तो निखर करके सामने आते हैं, एक सभ्य व्यक्ति की तरह हम सामने आते हैं। तो सभ्यता का विकास सभ्य आचरण हमारे एक दो दिन में नहीं होते, हम धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए कठिनाइयों से बिना
ना घबराए, गलत पथ बिना चुने, अच्छे पथ पर चलने का जब हम प्रयत्न करते हैं, अच्छाइयों को अपनाने का प्रयत्न करते हैं, तो इसी तरह से हमारी भीतर सभ्यता का विकास होता है। आगे आ जाइए बच्चों, ये पैराग्राफ उसी के आगे वाले पैराग्राफ में है, बर्फ का दुपट्टा बांधे, ये वाला देखिए। हिमालय इस समय तो बहुत सुंदर, अति ऊंचा, अति गौरवान्वित मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो डुबो कर उनको अपने विचित्र हथौड़े से सुदौड़ करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। ये वाला देखिए, यहाँ से आचरण भी यहाँ दिखाई देते हैं, उसी पैराग्राफ में आगे आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारा गण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के दर्शन पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी अल्प छटा दिखाई पड़ सकती है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान दीजिए, हिमालय का उदाहरण देते हुए लेखक ने कहा है कि हमारे आचरण भी अल्प समय में सभ्य नहीं बन जाते, या एक बार अगर सभ्य बन भी गए तो फिर वही प्रयास हमें छोड़ना नहीं पड़ता कि हम वहीं पर प्रयास छोड़ दें। अगर एक बार सभ्य बन जाने के पश्चात हमने प्रयास फिर छोड़ दिया, फिर हम श्रृंखल बन गए, तो फिर गलत आदतें हमारे भीतर पनपती चली जाती है। तो हिमालय का उदाहरण लेखक ने दिया है, जैसे हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का निर्माण प्रकृति ने एक दो दिन में, दो चार बरस में नहीं किया, और करके फिर वही प्रकृति रुक नहीं गई, वो आज भी हिमालय का निर्माण कर रही है। सदियां बीत गई, सदियों लग गए प्रकृति को हिमालय का निर्माण करने में। आज हिमालय जो इतना ऊंचा, इतना गौरवान्वित पर्वतराज कहा जाता है, ये उपाधि, ये श्रेष्ठता उसे पल दो पल में, दो चार दिन, दो चार वर्ष में नहीं मिली, बल्कि प्रकृति के सदियों के प्रयास करने के पश्चात मिली है, और उसे अपनी गौरव गरिमा बनाए रखने के लिए आज भी प्रयासरत रहना है। ठीक उसी तरह से हम भी अपनी गौरव गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे, तभी अपनी गौरव गरिमा हम बना सकते हैं, और गौरवान्वित होने के लिए हमें हर एक पल अपने भीतर सभ्यता का विकास करना पड़ता है। ये सभ्यता आचरण के सुंदर रूप का दर्शन आज तक पूरी तरह से नहीं हुआ। लेखक ऐसा मानता है कि कहीं कहीं कुछ कुछ लोगों में आचरण की सभ्यता के कुछ कुछ अंश दिखाई देते हैं, जैसे कुछ ऐसे लोग हमारे पूर्वज हुए जिनके आचरण के कारण ही हम उनको याद करते हैं, उनके गौरव गरिमा बनी हुई है। आज वो हमारे बीच शरीर से उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें याद करते हैं, उनकी जयंतियाँ मनाते हैं, उदाहरण देते हैं, क्योंकि उनके भीतर उनके उनमें भी कुछ कुछ आचरण की सभ्यता का विकास हुआ था। तो ऐसे ही जैसे हिमालय थोड़ा थोड़ा करके निर्मित होता चला गया और आज ऊंचा, विशाल और वाणी खड़ा है, ठीक वैसे ही हमें भी थोड़ा थोड़ा सभ्यता का विकास करना चाहिए, जिससे हम भी एक समय ऐसा आए कि अपने आप को हम
हमें भी लोग सभ्य व्यक्ति के रूप में जान सकें, क्योंकि सभ्य बनने में ही भलाई है, बुरा बनने में व्यक्ति अपने आप को ही संकट में डालता है। चलिए बाकी आ जाइए, तो वे इस देश का ये देखिए उसके आगे पैराग्राफ में दिया है, वे इस देश के रहने वालों के अनुसार ब्रह्मवाणी है, परंतु इतना काल के रूप में जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत को भिन्न भिन्न जाति को संस्कृत भाषा न बना सके। इसलिए क्योंकि ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं है, ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं है, वह केवल आचरण के कान के पूर्व मंत्र खुल सकता है, वह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञान दे कर सकता है। ठीक है, इसमें देखो बेटा बताया गया है बच्चों कि वेदों को ऐसा माना जाता है कि वो ब्रह्मवाणी है, वेदों में जो बातें लिखी गई हैं वो बातें सीधे ब्रह्म से जुड़ी हुई है, ईश्वर से परमात्मा से जुड़ी हुई, परमात्मा की वाणी को ही परमात्मा हमसे क्या करना चाहता है। स्वाभाविक है कि ईश्वर हमसे कुछ बुरा नहीं करना चाहेगा, हमें कुछ बुरा सिखाना नहीं चाहेगा, कुछ ऐसा नहीं चाहेगा कि हम बुरा कर्म करें, वो हमसे अच्छा ही करना चाहेगा, अच्छा ही करवाना चाहेगा। तो वेद ब्रह्मवाणी है, वेदों में जो बातें लिखी गई हैं वो ईश्वरीय वाणी है, ईश्वर की बातें लिखी गई हैं। लेकिन वेदों को पढ़ करके केवल उपदेश दे करके हम किसी को सुधार नहीं सकते, ना ही हम उसे पढ़ करके अपने आप को सुधार सकते हैं जब तक उनमें लिखी गई बातों को हम आत्मसात नहीं कर लेते, उनमें लिखी गई बातों को जब तक अमल में नहीं लाते, उसको ग्रहण नहीं करते, उसमें बताई गई बातों के नियमों का हम पालन नहीं करते, तब तक वो बातें भी वो जो ईश्वरीय वाणी है वो हमारे लिए शब्द मात्र बन करके रह जाते हैं। लेकिन ईश्वरीय वाणी ये मौन है, ये कोई शब्द नहीं है, वो मौन है जिसका मौन प्रभाव हम पर पड़ता है, इसलिए जब तक हम इसको आत्मसात नहीं कर सकेंगे तब तक इसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है, वो केवल शब्द मात्र बन करके रह जाते हैं। और आगे आ जाइए अगले पैराग्राफ पर, प्रेम का चौर यहाँ आ जाइए, ये देखिए पैराग्राफ आप देख लीजिए कौन सा पैराग्राफ है, उसके पैराग्राफ के शुरू से मैं पढ़ रही हूँ। यदि एक ब्राह्मण किसी दुखती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या जिस जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, पैराग्राफ आप लोगों को मिल गया होगा बच्चों, अब इसी पे आ जाइए बीच में। प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आपकी आप समझ लेते हैं, जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाषा भाषा का चुन। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो इस पर कि जब हम किसी से किसी पर प्रेम प्रकट करते हैं, दया दिखाते हैं, दया करते हैं, तो उसके लिए कहीं किसी शब्द के लिए जगह नहीं रह जाती, स्थान नहीं रह जाता, किसी शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो प्रेम, वो आचरण तो हमारे आचार विचार हमारे व्यवहार से प्रकट होते हैं। किसी जानवर को जब हम पुचकारते हैं, सहलाते हैं, तो इस सहलाने में ये सहलाना क्या है, एक तरफ से अपना प्रेम प्रकट करना है उसके लिए। इस सहलाने में कोई शब्द प्रयोग नहीं होता, आप लोग भी जानते हैं इसको, इसमें किसी शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम मौन रूप से उस पर अपना प्रेम न्यौछावर करते हैं, प्रेम प्रकट करते हैं, और वो जानवर भी हमारी प्रेम की भाषा को अच्छी तरह से समझ जाता है। तो ये प्रेम, ये दया, ये करुणा, सहानुभूति, ये जब हम किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी जानवर के लिए, किसी पशु पक्षी के लिए जब हम प्रकट करते हैं,
तो वहाँ शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये संसार के सभी चर चर प्राणी अपने आप समझ लेते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण दिया कि किसी भी जानवर को जब हम सहलाते हैं, दुलाते हैं, तो हमारी भाषा को, हमारे भाव को भलीभांति समझ लेता है बिना शब्दों का आश्रय। खैर, वो जानवर हमारी भाषा क्या समझेगा, लेकिन इस प्रेम की भाषा को वह मौन रूप से समझ लेता है। तो हम मौन रूप से उसे देते हैं, उसे वो मौन रूप से ग्रहण करता है। इसमें बच्चों का उदाहरण दिया जा सकता है। छोटे बच्चे, अबोध बच्चे किस प्रकार से हमारे अपने हाव भाव को हम तक पहुंचाते हैं। उनका हंसना, खिलाना, खुश होना, रोना, ये कोई भी भाव हो, उनका खुश होने का, दुखी होने का, रोने का भाव हो, तो ये मौन रूप से हम तक पहुंच जाती है। चलिए आगे आइए बेटा। मनुष्य का जीवन यहाँ से लेकर के प्राप्त हुए हैं, उसी के आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे, अमीरी और गरीबी, उन्नति अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्र अपवित्रता उतनी ही पवित्री है जितनी की पवित्र पवित्रता। जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ में हो रहा है। अंतरात्मा वही कार्य करती है जो वाय पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। क्या पता किन किन रूपों से निकल कर वे अब हृदय को प्राप्त हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, लेखक कहता है कि पवित्र पवित्रता ही उतनी ही पवित्र बलवती है, उतनी ही शक्तिशाली है जितनी पवित्र पवित्रता। ये क्या है? पवित्र अपवित्रता। अपवित्रता यानी अपवित्र होना, गलत कार्य करना, दुराचारी होना। तो जो पापी अधर्मी होते हैं, दुराचारी होते हैं, अगर वो कभी सुधर जाएं, अच्छे पथ पर चलने लगे, तो वो भी उतने ही शक्तिशाली हो जाते हैं, वो भी उतना ही सम्मान पाते हैं समाज में जितना शुरू से ही सुपथ पर चलने वाला व्यक्ति। उतना ही शक्तिशाली ये पवित्र अपवित्रता, यानी अपवित्रता में भी अगर पवित्रता का भाव है तो वो भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कि पवित्र रहने वाला व्यक्ति। वो भी उतना ही सम्मान पाता है जितना कि पवित्र रहने वाला व्यक्ति। कोई जरूरी नहीं है कि जो सुपथ पर चल रहा है वो कभी कुपथ पर नहीं जाएगा। हो सकता है कभी कुछ बुरे लोगों की संगत में पड़ करके वो कुपथ पर कुपथगामी हो जाए। और ये भी आवश्यक नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है कि जो कुपथ पर चल रहा है, बुरे मार्ग पर जो चल रहा है, जो चरित्रहीन है, दुराचारी है, दुर्गुणों का शिकार हो गया है, वो कभी कभी अच्छा नहीं कर सकता। हो सकता है अच्छे लोगों की संगति में आकर के वो सुपथगामी हो जाए, तो वह भी समाज में उतना ही सम्मान पाने का अधिकारी होता है जितना कि प्रारंभिक रूप से ही अच्छे पद पर चलने वाला व्यक्ति। तो ऐसे ऐसे लोग भी हमारे समाज में हुए हैं जो कभी चोर, डाकू, लुटेरे, अपराधी, हत्या करने वाले लोग रहे हों परिस्थिति बस, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बदली कि वो फिर अच्छे मार्ग पर चलने लगे और अच्छे मार्ग पर चलते हुए देश दुनिया के लिए एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। अब आगे आते हैं क्या सातवें नंबर पे, आचरण का नियम मिलने का है। अब यहाँ देखिए बताया गया है
ये आ जाइए और भी अगले पृष्ठ पर आ जाइए बेटा। मैं शुरू से वो पैराग्राफ पढ़ रही हूँ जिस पैराग्राफ में आपको ये व्याख्या करनी है। धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधे को ऐसी आरोग्य वर्धक भूमि देने के लिए ध्यान से सुनिए बच्चों, तब आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधे को ऐसी आरोग्य वर्धक भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश और वायु में सदा खुलता रहे, सदा खुलता रहे, घटता रहे, यह आवश्यक है। ये पैराग्राफ आप लोगों को अब मिल जाएगा। अब इसी में बीच में आपको ये पैराग्राफ ये अंश की आपको व्याख्या समझनी है और कॉपी में करनी है। आचरण का ये नियम क्या एक पुरुष का और क्या जाति का और क्या एक जगत का, सारी प्रकृति को खाद बनाए बिना, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने का है। प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, उसे उड़ा कर मिथ्या करना है। समुद्रों में डोरा डोरा डालकर अमृत निकाला है, सो भी कितना जरा सा संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ण भाग पाता है, क्या बैठे मिठाई भी बन सकता है। लेखक का कहना है कि आचरण का स्वर्ण, ये जो आचरण रूपी स्वर्ण है, स्वर्ण सोना इसलिए कहा गया क्योंकि सोना जो एक बहुमूल्य धातु है, चमकीली धातु है, सुनहरे रंग की जो चमकती है, ऐसे ही जब आचरण का स्वर्ण हमारे हाथ आता है, जब हमारे भीतर आचरण का विकास होता है, जब हम अपने भीतर सभ्यता का विकास करते हैं, अच्छे आचरण का विकास करते हैं, तो यह आचरण रूपी स्वर्ण भी हमें ऐसे ही चमक चमकाती है। हम भी ऐसे ही लोगों के बीच चमकते हैं जैसे स्वर्ण। अब चमकने का मतलब कि हम सोना की तरह नहीं चमकते, कहने का मतलब हम एक प्रभावी व्यक्ति के रूप में उतरते हैं। भीड़ के बीच में हम अकेले होते हैं, बहुत सारी भीड़ हो लेकिन उसमें एक आचरणशील व्यक्ति हो तो उसकी चमक अलग ही होती है। तो ये आचरण का रेडियम, रेडियम क्या है बच्चों, ये चमकीली धातु। ये आचरण का रेडियम, आचरण रूपी जो चमकीली धातु है, ये हमें बड़ी आसानी से नहीं मिल जाती है। इसके लिए हमें दुनिया की खाक छाननी पड़ती है, अच्छे लोगों की संगति में रहनी पड़ती है, अच्छे लोगों की संगति में हमें रहना पड़ता है, अच्छी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, बुराइयों से दूर होना पड़ता है, अपने मन को अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ता है, अपने आप को अग्नि में तपाना पड़ता है, दुख की अग्नि में संकट की घड़ी में अपने आप को तपाना पड़ता है और बिना अधीर हुए बहुत ही धैर्य से हर एक परिस्थिति का हमें सामना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ये आचरण का रेडियम, आचरण रूपी स्वर्ण हमें हाथ आता है, हमें हाथ लगता है। तो इस तरह से कहा जाए तो हमें भीतर, हमें भी अपने भीतर आचरण की, आचरण का विकास करना चाहिए, अच्छे आचरण अपनाना चाहिए, अच्छी आदत, अच्छा व्यवहार, अच्छी वाणी, अच्छी भाषा हमें बोलनी चाहिए और जितना तक हो सके हमें बुराइयों से, बुरी भाषा से, बुरे बुरे आचरण से हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ये पाठ आप लोगों का यदि पूरा हो जाता है, अगले वीडियो में आप लोगों को फिर हम आगे का पाठ समझाएंगे।